अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब अच्छे होंगे। तो ये सुबह सुबह का वक्त है, मैं चाय बना रही हूँ। मैं ज़्यादातर सुबह में वीडियोस नहीं बनाती, मैं दोपहर में बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को जॉब पे जाना होता है तो उन्हें टिफ़िन वो देना होता है, तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो आज भी वो जाएंगे लेकिन थोड़ी देर से जाएंगे, इसलिए मैं वीडियो बना रही थी। तो ये मैंने चाय बना ली थी और मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ अंडे की भुर्जी और मैंने प्याज चॉपर में चॉप कर लिया है। चॉपर ने काम बहुत आसान कर दिया है क्योंकि अब रोने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी प्याज हो जाती है और बहुत जल्दी से प्याज इसमें बारीक हो जाती है। तो मैंने प्याज को और हरी मिर्च को बारीक बारीक इसमें चॉपर में चॉप कर लिया है। चलिए, हमारा तेल गर्म हो गया है, हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हमारी भुर्जी का मसाला हो गया है। मैंने बताया नहीं क्योंकि सबको पता है कैसे बनाना है। मैंने इसमें सिर्फ टमाटर, लाल मिर्च और हल्दी डाल दी थी, नमक बस, और इसे अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। मैं साथ में इसके पराठे बना लूंगी, पराठे और अंडों का नाश्ता हो जाएगा। ये देखिए, हमारी अंडा भुर्जी हो गई है। मैं इसे हरा धनिया डालकर फिनिश कर दूंगी और साथ ही में इसमें सात पराठे बना लूंगी। मैंने पैन रख दिया है, अब हम पराठे बना लेंगे।
जी मैं चिकन का सादा सिंपल सालन बना रही हूँ बाजरे की रोटी के साथ। तो मैंने ये ऑयल गरम हो गया था, इसमें मैंने 3-4 प्याज को बारीक चॉपर में चॉप कर तेल में डाल दिया था। इसे अच्छे हमें इसे अच्छे से ब्राउन कर लेना है। फिर इसमें हम अदरक लहसुन और फिर चिकन डाल देंगे। जी हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, इसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। हम इसे 2-3 मिनट अच्छा भूनने देंगे, फिर इसमें हम बाकी मसाले ऐड कर लेंगे। मैं ये सालन में डालने के लिए पेस्ट बना रही हूँ, तो मैंने हरा धनिया, 2-4 लाल हरी मिर्च और 3-4 टमाटर ले लिया है। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन भुन गया है, अब हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे जो हमने टमाटर हरी मिर्च और धनिया का बनाया था। मैं साथ ही में इसके सूखे मसाले भी ऐड कर दूंगी। मैं साथ ही में इसके 1.5 चम्मच लाल मिर्च डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी और डालूंगी 2 चम्मच धनिया। और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और हम इसमें नमक भी मिला देंगे। अब हम ढक्कन डाल देंगे और मसाले को अच्छी तरीके से भुनने देंगे। ये देखिए हमारा सालन अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करके रख देंगे। आपके हिसाब से आपको जितना शोरबा चाहिए तो हिसाब से आप पानी ऐड करिए। मैं थोड़ा पतला ही रखूंगी क्योंकि बाजरे की रोटी के साथ अच्छा लगता है थोड़ा पतला सालन। आप इस स्टेज पर नमक मिर्च सब टेस्ट कर लीजिए, आपके हिसाब से कम या ज़्यादा हो तो फिर डाल लीजिए।
अब हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। ये देखिए हमारा सालन हो गया है। अब हम इसमें आधी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से स्टर कर लीजिए और 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने दीजिए उसे। जी ये हमारा सालन हो गया है। मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी। और हमारी बाजरी की रोटी भी हो रही है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारा सालन रेडी हो गया है और ये बाजरी की रोटी। आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए और मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कैसा बना। जज़ाकअल्लाह।